सी अपॉन यू ऑल फ्रेंड, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली में तो अपन आ गए। फिर दिल्ली में भी एक सेंटर जगह एक जान होती है, इंडिया की जान दिल्ली है, दिल्ली की जान निजामुद्दीन है। इसके लिए आप लोग सुने होंगे, जहाँ पे भी बस जा रही, ट्रेन जा रही, कोई भी स्टेट से, स्पेशली मैं तो साउथ से हूँ तो साउथ वाले अच्छे से जानते कि साउथ से जो ट्रेन जा रही तो उसमें निजामुद्दीन लिखा हुआ रहता, वो तो खैर रहती दिल्ली की। तो दिल्ली में वो प्लेस उतना इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक अ ओल्ड सिटी, तो वही असली दिल्ली है, मतलब पहले तो वही थी। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जो थे निजामुद्दीन, ये एक ग्रेट पर्सनालिटी थे पहले जमाने के। खैर, और इन ये सब जानने के लिए थोड़े वर्ड्स हैं जो कि अगर मैं आपको समझाऊं तो आप अच्छे से इंजॉय करोगे। जैसे कि वर्ड है सूफीज्म, बहुत लोग आप जानते होंगे। फिर चिश्ती है, तो ये क्या है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर आप लोगों को मालूम चल जाता तो आप अच्छे से इंजॉय कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड सूफीज्म, SUFI, ये एक्चुअली अरेबिक वर्ड है सूफीज्म, और सूफीज्म का मतलब है सफा। अरेबिक में सफा बोलते प्यूरिटी, मीन्स चेस्टिटी, गंदी चीजों से दूर रहना, अपने आप को दूर करना और सिर्फ प्योर चीजें अपने अंदर लेना। तो यहां से ये टर्म कॉइन होगा सूफी, सूफीज्म। और एक एक चीज है, पहले क्या करते थे, पहले जमाने के आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, मतलब जो आज के जमाने में बताया, या पेंटिंग, उसमें क्या करते थे, लॉन्ग ट्रेशर पहनता था आदमी अरेबिक जैसे, और फिर उसको बताते थे कि ये बहुत प्योर है, साधु है, संत है, या फिर वली अल्लाह है। सूफ का मतलब वो भी होता है कि जो क्लोक ड्रेस जो रहता, जो पहनते, उसको भी बोलते हैं। एक्चुअली आई वांट टू से दैट दोस पीपल हु आर थिंकिंग सूफीज्म इज अ सेक्ट ऑफ इस्लाम, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन इस्लाम देयर आर नो कास्ट नो सेक्स, इस्लाम इज जस्ट वन। एंड फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ सम पीपल हैव सम एक्स्ट्रा लाइक दे बिलीव इज सेइंग दैट अल्लाह इज वन, प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट पर्सन, जस्ट दे बिलीव एक्स्ट्रा म्यूजिक इज अलाउड, ब्लाह, सो इट डजंट मेक देम एक्स्ट्रा सेक्ट, देयर बिलीफ इज द सेम। जस्ट कोई जगह से कोई एक अच्छी चीज ईजाद हो गई तो लोगों का क्या है, उसको उस प्लेस का नाम दे के फिर उसको अलग सेक्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देवबंदी जिसको बोलते हैं लोगों को, देवबंदी इज एक्चुअली अ प्लेस यूपी। फिर बरेलवी, इट्स ऑल्सो अ प्लेस, इट्स नॉट अ सेक्ट। एंड सेम वे चिश्ती सूफीज्म के अंदर आता, तो ये जो चिश्ती लोग जो लोग है, जैसे कि हमारे फेमस अजमेर में एक बाबा है जिनकी दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज, बहुत लोग जानते हैं इंडिया पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब लोग। तो ये सूफीज्म के अंदर थोड़े बहुत जैसे फैमिली जैसे, और अपने उस्ताद के ऊपर जो बिलीव करते हैं उसके ऊपर अलग अलग हो गए लोग, जैसे कि नक्शेबंदी है, फिर चिश्ती है। तो चिश्ती जो है दे आर वेरी फेमस, जस्ट लाइक आप सबको पता होगा कि हमारे अजमेर में एक दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलीफ, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई सब जाते हैं, इवन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द कॉमन मैन पेकर, एवरीवन गोज देयर। एंड दैट इज ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के। एंड ये सो फेमस कि अकबर बादशाह भी वहाँ पे जाया करते थे, ही वॉज द किंग ऑफ इंडिया एट द टाइम, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग इफ ही वॉज गोइंग। और अगेन जैसे कि मैंने बताया था बरेलवी देवबंदी, सेम ये चिश्ती जो चीज है, चिश्ती चिश्त चिश्त एक प्लेस है अफगानिस्तान के अंदर, ये हीरत से थोड़ी दूर पे है, तो जो अफगानी लोग हैं उनको मालूम होगा। तो ये प्लेस है, तो ये प्लेस पे वहां पे एक अबू इशाक समी बोल के एक सीरिया के थे, वो ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सनालिटी, सेम इन ही कम्स इन द सेम प्लेस, तो बहुत अच्छे पर्सनालिटी थे। तो यहाँ पे गए थे तो उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किए थे इसको, तो अपने एक रीजन के नाम के ऊपर ही कर दिए, तो वो क्या हो गया, चिश्ती कर दी उसको, चिश्त को चिश्ती, सेम वे। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल कि ये सब प्लेस की जगह रहती, लोग उसको बिलीव समझ रहे थे बट ऐसे नहीं रहता। ओके, लेट्स कम टू द मेन थिंग, हजरत निजामुद्दीन, ही वाज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ हिज टाइम। सो हजरत निजामुद्दीन एक्चुअली थे बुखारा के, ये एक जगह है उज़्बेकिस्तान में, एंड ही वाज बोर्न इन 1238। तो उस समय क्या हो गया था, मंगोल, मंगोल बहुत क्रेजी चीज थी उस समय, मीन्स थोड़ी भी मर्सी नहीं उनको, थोड़ा भी रहम नहीं, जो भी दिखा, जो भी धर्म का, वो कोई मानते नहीं थे खुदा, जो भी दिखा कट कर देना उसका सिरा, और सिरों के पहाड़ बना देना, फिर खूनों की नदियां, ये उनका शौक था। अगर आप सरेंडर भी कर दिए तो भी उन्होंने आपको मार देते थे, ये उनका रूल था। तो बहुत मर्सीलेस आर्मी थी, और ये मुस्लिम किंगडम्स को खना खन मार रही थी, बहुत तबाह कर दी थी। तो उज़्बेक भी जब एक मुस्लिम किंगडम था तो वहां पे भी ये मंगोल्स आ रहे थे,
आके तबा इनको पता था लोगों को कि जब आ गए इन्हों तो काम खलास। तो इन्हों क्या किए फिर यहाँ पे इंडिया को माइग्रेट हो गए। जो हजरत निजामुद्दीन थे उनके जो फादर थे अर्ली एज में उनका डेथ हो गया तो उनके मम्मी उनको पाले। उनके मम्मी का नाम था जुलेखा और ये जो थे जैसे नाम है इनका इन्हों वैसे ही थे बहुत डेडिकेटेड बहुत इस्लामिक। जैसे कि एक एग्जाम्पल में दिए सो है कि एक दफा क्या हो गया बच्चे थे इन्हों इनको भूख भूख लग गई स्कूल से आने के बाद जब मदरसा मदरसा मतलब स्कूल यूनिवर्सिटी। तो उस समय जब आए उन्होंने आने के बाद बोले अम्मी अम्मी मेरे को भूख लगी खाना चाहिए। तो अम्मी बोले आज हम अल्लाह के मेहमान हैं भगवान के मेहमान हैं। तो उन्होंने समझ गए मीन्स टुडे देयर इज नो फूड। तो ये शॉर्ट वर्ड्स देखो और माँ का विजडम देखो और इनका यकीदा। फिर ऐसे इन्होंने क्या किए ऐसे ही बड़े होते गए बड़े होते। फिर एक दफा क्या हो गया कि उन्होंने रास्ते में जैसे जो फकीर लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे गाना गाते थे ना ऐसे ऐसे इस कोई उस टाइम के बाबा का पढ़ाई करते हुए। जैसे कि अकबर को भी ऐसे हुआ था उनको पता नहीं था ख्वाजा गरीब नवाज लेकिन वो कोई फकीर था और रास्ते पे ऐसे बोलते जा रहा था तो पता चला तो उन्होंने फिर वहां पे गए वो दरगाह। सेम वे इनको भी एक फकीर गाना नहीं बोल सकते उसको उनके बारे में गुनगुना रहा था। एक बाबा फरीद बोल के हैं पंजाब में पाकिस्तान का पंजाब जो कि जब इंडिया में ही था। तो उन्होंने उस समय इस्लामिक सेंट थे बहुत बड़े तो इन्हें उनके उस उस्ताद हैं। और उनकी जो जगह है अजदहान में है पंजाब में आज भी है। उसका कुछ नेम जो है चेंज कर दिया वो लोग पोकन कुछ करके हैं। तो उन्होंने वहां पे चले गए फिर उन्होंने वहां पे बहुत महीने गुजारे पूरा सीख लिया उनके पास से कैसे पेशेंस रहना कैसे चीजों से दूरी रखना बुराई से अच्छाई। तो बहुत उनके एक अच्छे डिसिप्लिन बन गए अच्छे डिसिप्लिन बन के फिर उन्होंने वापिस आ गए। जम्मू के किनारे तट पे गियापुर बोल के एक जगह है तो वो एक स्ट्रीम जाता जमुना का वहां पे। तो वहां पे उन्होंने सेटल हो गए। फिर वहां पे जब सेटल हो गए फिर एकदम बुराई से दूर जैसे वो बाबा फरीद उनको बताए थे सेम वैसे ही कर रहे थे उन्होंने बुराई से दूर अच्छाई पे चल रहे थे। फिर बोले अपने दौलत लुटा देना लोगों के लिए सब वैसे ही कर रहे थे उन्होंने। और लोगों को बहुत इंप्रेस हुआ है स्पेशल हिंदू पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा। तो लोग इनके अंडर आते थे फिर इसे इस्लाम इन्फ्लुएंस होता था इन लोगों को गाइडेंस देते थे सी यू आर डूइंग राइट बट यू कैन कम टू द मोर राइट वे। एंड ऐसे बहुत लोग उनके थ्रू इस्लाम में आए और उन्होंने बहुत इस्लाम की भी खिदमत की है। एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। निजामुद्दीन की एक चीज है जो बहुत फेमस है तो अमोंग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई जू जुडाइज्म बुद्धिस्ट सब उनका क्या था कि जैसे एक सूफिज्म का भी थॉट है सेम उन्हीं का था कि जो कोई बुरा करा उसको बुरा नहीं करना। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे कोई अगर तुम्हारे रास्ते में कांटे डाला तो तुम उसके रास्ते में कांटे नहीं डालना फिर क्या होता पूरे रास्ते में कांटे हो जाते पूरा सत्यानाश हो जाता दुनिया का। तो ये हजरत निजामुद्दीन के बारे में हो गया। फिर उनके आजू बाजू बहुत से मजार एक फेमस पर्सन है इनफैक्ट जब आप वहां पे दरगाह में जाते सीधा आपको हजरत निजामुद्दीन के दर की मजार ग्रेव नहीं मिलती फर्स्ट आपको मिलती खुसरो। खुसरो वॉज अ फेमस पोएट ब्रिलियंट अभी तक उनके उनके नाम पे मूवीज चलते पोएट्स चलते उनके गजल चलते। तो इमेजिन करो उस बंदे का क्या इमेजिनेशन था व्हाट लेवल ही वॉज। ओके तो क्या हो गया एंड खुसरो बिकेम फैसिनेटेड विद द पर्सनैलिटी ऑफ हजरत निजामुद्दीन। उनको लगा क्या ब्रिलियंट बंदा है मतलब सेल्फलेस चीजें कर रहा ये कर रहा लोगों की हेल्प कर रहा कोई उनके दरबार से खाली नहीं जा रहा भिखारी भी आ रहा कुछ लेके जा रहा अमीर भी आ रहा कुछ उसको मतलब उसके अंदर का वो जो ये रहता गिल्ट वो निकाल के जा रहा हूँ गंदे से गंदे बंदा आ रहा अपना पूरा बयान कर रहा है मैं इतना गंदा क्या वो बोले कुछ नहीं होता अल्लाह सब माफ कर देता। तो उनको जो वो रिलीफ हो रहा था लोगों को और जो लोग अमीर भी थे मतलब उनको टेंशन था ना पहले भी था तो जो रिलीफ हो रहा था और जो गरीब थे वो भी खाना पीना कोई खाली नहीं जाता था। तो खुसरो परेशान हो गए बहुत परेशान हो गए यार ऐसे कैसे ये बनता है। फिर उन्होंने उनसे फैसिनेटेड हो गए क्योंकि ये जो निजामुद्दीन जो पर्सनैलिटी थे ना राजा वजीर इन लोगों से कॉन्टेक्ट भी नहीं रखते थे बोले थे पॉलिटिकल चीजों से मेरा काम नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स बीच में आ गया फिर वो एक साइड हो जाते फिर लोगों की तरफ नहीं देखते। तो बोल इनफैक्ट वो मिलते नहीं थे जब कोई आता था तो दूसरे गेट से निकल। खुसरो जो थे मिनिस्टर लेवल पे थे थोड़ी वो पोएट बट वहां के दरबार के आदमी थे और उस समय दरबार के आदमी मतलब आज के पार्लियामेंट से बढ़ के तो उनकी एक बात रहती थी। और इन खुसरो इनके ऊपर बहुत से पोयम पोयम गजल रखे इन फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी देख के। और जो खुसरो जो मेन चीज के लिए जो फेमस है खुसरो वो है कव्वाली बहुत अच्छी कव्वाली। आज के टाइम पे हम सोचते कि जो
दरगाहों में हो रही हो म्यूजिक, वो नहीं, उस समय डिफरेंट कवाली थी। हाँ सूफीज़म म्यूजिक एक्सेप्ट करता, बट इसका सर्टेन लेवल था। उस समय जो इंस्ट्रूमेंट थे वो ऑलरेडी हलाली थे, मतलब उतना कुछ डीजे वैसे तो था नहीं, तो नॉर्मली थे। तो वो लोग बोलते थे इस्लामिक है, म्यूजिक को लाओ, ऐसा उनका बिलीफ था। आज के टाइम पे अगर वो लोग रहते तो भी आई डोंट थिंक दे विल से यस। एनीवेज, नन ऑफ आवर बिजनेस। तो जो खुसरो थे उन्होंने कव्वाली गाते थे। कव्वाली मीन्स वो वाली कव्वाली नहीं जैसे मैं बोला, कव्वाली का मतलब होता खवाल, अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब होता है अटरेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मींस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ावी करना, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं नात। या सेम भी खवाल था, लेकिन आज हम क्या कर दिए, खवाली के नाम पे कोई भी बाबा के ऊपर, ओ तुम ऐसे, तुम्हारे ऊपर तो काबा भी चक्कर मारता, तुम्हारे ऊपर हम भी मारना, बहुत गलत गलत बात बोल देते हैं हम। क्या बोलते हैं, अपने अल्फाज से निकल जाता वो बात करते करते। तो एक्चुअल खवाल का ये नहीं था। और जो खुसरो थे उस समय लिखते थे स्पेशली पर्शियन और हिंदी में, जबरदस्त बहुत फेमस हो गए थे। और ये जो खुसरो थे ये बस ऐसे ही बंदे नहीं थे भाई, आज तो गूगल है, उस समय में गूगल नहीं था कुछ नहीं, वो ऐसे फिलोसोफर थे, ऐसे पोइट थे। उन्होंने जो पूरी डिक्शनरी है हिंदी और ईरानियन, क्योंकि उस समय ईरानियन मीन्स फारसी जब चलती थी इंडिया में, अपना वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस भी था तो वो चलती, तो उन्होंने पूरा ट्रांसलेट किया डिक्शनरी। तो इमेजिन भाई, उतना लिखना मतलब गूगल वूगल कुछ नहीं है, सब याद करके लिखना। तो क्या पर्सनैलिटी थी वो, तो वो ऐसी पर्सनैलिटी है। और उन्होंने 7 किंग्स देखे अपने अपने दौर में, 7 किंग्स को सर्व किया उन्होंने दरबार में, सातों में मिनिस्टर थे उन्होंने। तो ये वो समझ लो आप लोग। फिर क्या हो गया, उन्होंने एक बार कोई पॉलिटिकल काम के सिलसिले में, गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने बंगाल चले गए। तो जब बंगाल गए उनको, तो उनको खबर मिली कि हजरत निजामुद्दीन की डेथ हो गई। निजामुद्दीन की डेथ हुई 1325 में, और इनके सिर्फ 6 महीने के बाद खुसरो की भी डेथ हो गई। लोगों का बोलना है कि जब हजरत निजामुद्दीन मरे तो उनसे उनसे इतने डीपली सोल वे में अटैच थे कि मीन्स एज अ मास्टर एंड हिज डिसिपल, कि वो गम उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाए, 6 महीने में ही उन्होंने मर गए। तो ये लोगों का बोल। तो ये जब दोनों मरे, उरुस बनाते हैं, उरुस एक्चुअली फिर ये इसका जो अरेबिक वर्ड है उर्स, इसको जो वेडिंग एनिवर्सरी करते हैं ना अरेबिक, उसको बोलते हैं। तो लेकिन आज के दौर पे फिर ये लोग इसको उरुस कर दिए, इसका मतलब रहता कोई कुछ अलग, आप सबको मालूम है इसका मतलब क्या है। फिर वो लोग झूले लगाते ये करते, और उनके पास ये डेफिनेशन है इसके लिए कि अगर कोई ग्रेट पर्सनालिटी मर गया तो वो मरा नहीं, इनफैक्ट उसकी सोल उसके क्रिएटर से मिल गई, तो ये तो खुशी की चीज़ है, तो ये खुशी मना रहे। सो पता नहीं ये लॉजिक कितनी सही है। खैर ये करते हैं लोग, हर साल उरूस होता, बहुत बड़े वे में होता, जस्ट लास्ट ईयर नहीं हुआ कोविड के कारण, बहुत बहुत हंगामा हो गया था वहां पे, लोगों को बिलीव नहीं हो गया कि फर्स्ट टाइम ये रोक भी सकता, तो इस लेवल तक वहां पे उरूस होता था। जो खुसरो थे उन्होंने इंडिया के अपने पटियाला के थे, इनके जो पापा थे उन्होंने टर्क थे, और अम्मी जो थे उनके उन्होंने पूरे इंडियन थे, और वो पटियाली के थे। ये एक विलेज है एता बोल के, डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पे अभी भी है वो, उनके नाम पे काफी फेमस भी है वो। तो ये वहां के थे, और इनका भी सेम हाल था, इनके पापा जो थे अर्ली एज जब इनकी थी तभी उनका डेथ हो गया, फिर उनकी माँ सेम शी वॉज मोर इस्लामिक। तो इनके नाना दिल्ली के पास रहते थे, तो नाना इनकी देखभाल करे, पूरा पढ़ाए करे इनको, इन्हों ही रखते थे क्योंकि वो सिटी भी थी। फिर ये जो अमीर खुसरो थे 1325 में, 71 की एज में मर गए। फिर लोग इसीलिए उरूस